संतों की बातें, संतों के साथ सत्संग और संतों का कार्य शास्त्रों में सुख मिल जाता है, मगर शास्त्रों किसने लिखा? संतों ने लिखा। शास्त्रों की जो बातें हैं उसमें हर चीज, हर एक एक सब्जेक्ट को निकाल दिया जाए तो उसमें एक ही बात सारांश रूप में आ जाती है कि मानव सेवा, संतों का कार्य, समाज सेवा, भक्ति योग, साधना योग, उपासना, ये सब परंपरा को लेकर के एक ही व्यक्ति कार्य करता है जो ईश्वर ने इस संसार के अंदर भेजा, जिसको कहते हैं महापुरुष संत। मेरे साथ आज एक अपने आप में अवलोकित नाम, गुजरात की भूमि से, मैं कई बार कहता हूं कि भगवान कृष्ण की लीला जो देखनी है तो द्वारका जाना पड़ेगा। वृंदावन की बात करते हैं भगवान, मगर मैं कई बार कहता हूं कि आप 10 साल भी रहो ना कोई देश के अंदर तो उसी सिटीजन का पासपोर्ट मिल जाता है। तो भगवान कृष्ण तो हमारे गुजरात में 100 साल से अधिक रहा, तो गुजराती बन गया और वही अपने आप में द्वारकाधीश के नाम से प्रविष्ट पसंदर, अपना कार्य, अपनी लीला, अपना योग, अपनी विविधता दिखाई, ऐसे उनके चरणों में सालों से भक्ति योग कथा का एक मार्ग लेकर के संसार तक पहुंचे ऐसे पूज्य जिग्नेश दादाजी मेरे साथ उपस्थित थे। राधे प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे 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 जय श्री कृष्ण। महाराज जी, संतों की बातें जब चलती है शास्त्रों में तो आपका जीवन, आपकी कथा पूरा किसको सुनता है, ये बताइए शुरुआत कैसे किया? मैं कहूंगा कि मेरा एक रास्ता अलग था। मैं पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में, लेकिन भगवत कृपा कुछ और ही, भगवान की इच्छा कुछ और थी। तो मेरे परिवार में भी किसी ने ये कर्मकांड, ये कथा कुछ नहीं किया है। आपके प्रश्न के जवाब में मेरा छोटा सा ही एक उत्तर रहेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो केवल भगवत कृपा से हो रहा है। लेकिन आपको और सभी को ये बात पता चले, संतुष्ट हो, इसलिए मैं बताऊं कि जब मैं 16 साल का था तब पहली भागवत कथा मैंने लोगों को सुनाई है। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और मेरे गांव में रहते हुए जो ब्राह्मण लोग, उसके साथ में यज्ञ में जाता और यज्ञ में जो अंत में जो सिफल होम होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, वो शकराधि स्तुति गाते, तो वो सब गाने का मुझे बहुत शौक था। तो उसी में से मैं धीरे धीरे चलते चलते पढ़ते पढ़ते भी मैं कई बार कथाओं में गाने के लिए जाता था और भगवान ने कृपा कर दी तो आज ये गाने का जो शौक था वो कथा में परिवर्तित हो गया। पहले ही मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग में बड़ौदा में, लेकिन मेरे पिताजी की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो मेरा लास्ट ईयर छूट गया पढ़ाई में पैसों की वजह से। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो कर्मकांड कर लेंगे, तो मैं द्वारिका पढ़ने गया और द्वारिका में जब पढ़ता था तो द्वारिकाधीश के दर्शन होते थे हर रोज, तो हर रोज भगवान को देखने के लिए जाते थे। तो आज मुझसे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं हर रोज भगवान को देखने जाता था। उन दिनों में भगवान ने एक बार मुझे देख लिया है। तो आज कथा जो ये मेरी प्रारंभ हुई है 16 साल से। महाराज जी, आप ये जो कथा पूरे भारत की विविध स्थानों पे करते हैं, मगर इसके साथ साथ आपने एक सेवा का भी कार्य चालू किया, एक संस्था बनाई। यदि हम भागवत की व्यासपीठ से केवल कहते ही रहेंगे कि सेवा करो सेवा करो, और व्यासपीठ से कुछ सेवा नहीं होगी तो कौन अपनाएगा इस बात को? किसी को कहना है तो पहले मेरे में होना चाहिए।
सब लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पास जो लोग एक माई अपने बच्चे को लेकर गई और कहती थी कि भगवान इसको बोलो ना मेरा बच्चा गुड़ बहुत खा रहा है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि परसों आना। ठीक है, परसों आने के बाद फिर वो बच्चे को ऐसा बोल दिया भगवान बुद्ध ने कि गुड़ मत खाइए, ज्यादा गुड़ मत खाइए। तो वो बच्चे की माँ ऐसे देख रही थी कि महाराज जी इतना ही कहना था तो जब हम आए पहले तो उस दिन क्यों नहीं कह दिया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि उस दिन मैं भी गुड़ खा रहा था, जब मैं नहीं खाता तो किसी को बोल सकता हूं कि आप मत खाइए और मैं खाता रहूं। तो ये भागवत का ये क्रम है, मेरी व्यासपीठ से मैं हर रोज कहता हूं कि आप सेवा करो, आप दान करो, आप सत्कर्म करो, आप पुण्य करो, और यदि मैं नहीं करता तो इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। कि संसार में कितने भी बच्चे, कितने भी परिवार ऐसे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है इसलिए उसकी पढ़ाई छूट जाती है। तो भागवत की व्यासपीठ से लाखों लोगों का हमें प्यार मिला है, तो इन लोगों को साथ में लेकर, सबको साथ में जुड़कर क्यों ना ऐसा एक सेवा का धाम बनाया जाए कि जहां जैसी मेरी स्थिति थी, मेरा तो हाथ भगवान ने पकड़ लिया तो आज यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि नहीं पहुंच सकते। तो उन परिवार के लोगों को, इस बच्चे को हम 11वीं और 12वीं साइंस में मुफ्त में पढ़ाए, रहना, खाना, पीना, पढ़ना, उसके पहनने के लिए कपड़े, उसके पढ़ने के लिए बुक्स सब देना, लेकिन एक रुपया भी उसके पास से फीके मतलब से नहीं लेना है, सब मुफ्त में देना है। परिवर्तन होना प्रकृति का स्वभाव है, मगर ऐसा परिवर्तन हो कि जो अपने आप में प्रभु के चरणों में बैठे बैठे अपने परम तत्व की ओर जाए। परंतु दूसरी बात है कि लोग आजकल कोविड के बाद काफी भक्ति में होने लगे, क्योंकि अंत में हर चीज बंद हो गई, ईश्वर ही ईश्वर था। इसके ऊपर क्या कहना है आप? कोविड में ये बहुत हमारा बुरा वक्त था, ये हम सब जानते हैं। जब भय पैदा होता है ना, तब ही हम भगवान को चाहते हैं, तब ही हम भगवान के और नजदीक जाते हैं। जब हमारे जीवन में दुख रहता है तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, मनुष्य जीवन भगवान के पास सुख मांगते हैं। सब लोग जानते हैं वो महाभारत की कथा, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे तब उस वक्त पे मां कुंता ने प्रार्थना की, विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भगवान मेरी प्रार्थना है मुझे दुख दीजिए। भगवान ने पूछ लिया कि माँ बुआ आप क्यों दुख मांग रही हो, तो माँ कहती है कि भगवान मैं दुख इसलिए मांगती हूं कि दुख में आप हमारे साथ रहते हैं, दुख में भगवान हमारे साथ है। तो कोविड के जो वक्त आया था उसमें सब लोग को मालूम पड़ गया कि कब हम चले जाए उसका कोई निश्चित नहीं है, तो इस कोविड में भगवान के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। सबको एक अनुभव हो गया, चाहे गुजरे हुए वक्त में कोई शहर बंद रहता है, कोई गांव बंद रहता है, कोई मकान बंद रहता है, लेकिन कोविड का ऐसा वक्त आया पूरा विश्व बंद हो गया, एक ही साथ पूरा विश्व बंद हो गया। तो ये कौन, किसने कराया सारा विश्व बंद, किसने? तो सब लोग को ये लगा कि ये कोविड है, ये केवल मुझे तो मेरी दृष्टि से ऐसा दिख रहा है कि भगवान ने सब लोग को अपनी ओर जुड़ने के लिए ये कोविड भेजा होगा, क्योंकि भगवान कृपा भी करते हैं और कठोर कृपा भी करते हैं। भागवत के दशम स्कंध में जो कथा है, जो भगवान ने अपने बाएं हाथ से जो गिरिराज को धारण किया, उस वक्त पे इंद्र ने आकर कहा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, आपकी कृपा से मुझे सत्ता मिली है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, मुझे ये आपकी वजह से ही सत्ता मिली है। तब भगवान ने कह दिया कि इंद्र सुनो, मेरी कृपा केवल सत्ता को दिलाने में नहीं है, मेरी कठोर कृपा में संपत्ति से दूर कर देता हूं, तम भ्रंशयामी संपत्ति भयो, मैं
किसी पे कृपा करता हूँ तो किसी के पर कठोर कृपा करता हूँ। जो हमारे जीवन में हमारा अच्छा वक्त आए, हमें सुख लगे, तो भगवान की कृपा समझना। और यदि हमारे जीवन में सुख में से दुख में परिवर्तित हो जाए तो परमात्मा की कठोर कृपा समझना। सुख आते हैं तब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब भगवान की ओर जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कोरोना काल में भगवान ने हम सबको अपनी ओर बुलाया है। देश में भी लोग भक्ति करते हैं, विदेश में भी, पूरे विश्व में अंदर भक्ति करते हैं, मगर देश और विदेशों में आपको क्या नजर आया, क्या कुछ अलग लगा? डिफरेंट देखा, जो तफावत मुझे मेरी आंखों से नजर आया, तो भारत में से लोग विदेश में क्यों आते हैं? पैसों के लिए, कि चलो यहाँ पे अधिक पैसों मिलते हैं। हमारे भारत में ऐसा है, काम छोड़कर भी लोग कथा में बैठते हैं, और यहाँ कथा छोड़कर लोग काम में बैठते हैं। बैठना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रहना भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन मैंने जो देखा है, यहाँ भी भाव है, जो लोग कथा में आते हैं उसको भाव है ही, हर रोज आए या ना आए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कथा का काल हमें संक्षिप्त के लिए मिलता है। अब पैसे कमाने के लिए हमारे पास 365 दिनों में से यदि आपने 7 दिन कथा के लिए निकाल दिए, फिर भी आपके पास ढेर सारे दिन है पैसे कमाने के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा सबको कि पैसों कमाने के साथ पुण्य भी कमाओ, पैसों से हम पुण्य कमाएंगे। तो वहां के लोग है ना, वो भाव से जुड़े हैं। निवृत्त लोग कथा में आते हैं ऐसा नहीं होता है वहां। तो यहां भी मैंने आज 4 दिन से कथा कर रहा हूं, तो मैंने यहां भी देखा है, मुझे कई लोग मिलने आते थे तो कह रहे थे कि महाराज जी आप यहाँ आने वाले थे, हमें पता चला तो हमने इस वीक की छुट्टी ले ली है, हमने यहाँ पे काम पे नहीं गए हम। मैंने कहा क्यों? तो वो लोग आंखों में पानी के साथ बोल रहे थे बाबू कि भगवान की कथा मिले तो और क्या चाहिए हमें, मुझे भगवान की कथा चाहिए। और भगवान की कथा जो दे सकता है इस संसार में, और कोई नहीं दे सकता भगवान के अलावा। क्योंकि अच्छा लोग हो तो अच्छी चीज हमें उसके पास से प्राप्त होती है। तो भगवान के लिए ऐसा ही कहा है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के जैसा तत्व इस संसार में नहीं है। तो भारत के लोग भाव से जुड़े हैं, उसका भाव और सब लोग का भाव अलग अलग रहता है। कोई दुख होता है इसलिए भाव कहते हैं, कोई ऐसा सोच रहे है कि हमें भगवान ने सुख दिया है तो चलो भगवान के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे कथाओं का माध्यम बढ़ रहा है तो लोग यहाँ भी भाव के साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव की ये बात है कि द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे सालों तक, अपने आप में वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया जिस गांव से लेकर के उस गलियों से निकल करके विदेश तक की यात्रा एक पोथी एक ग्रंथ में करवाई, मगर ग्रंथ के पीछे महाराज जी का श्रद्धा समर्पण एवं विश्वास था। और इस बात को जब हम लेते हैं, इस बात के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा, माँ बाप के ऊपर विश्वास, माँ बाप के प्रति अपने आप में श्रद्धा और समर्पण की भाव, गुरु के प्रति अपना जीवन का समर्पण भाव। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार गुरु पूर्णिमा का त्यौहार ही नहीं बता कि साल में एक बार जाओ और गुरु के चरणों में बैठ करके दक्षिणा और पुष्प दे करके बस। गुरु पूर्णिमा हर रोज होनी चाहिए। मैंने देखा महाराज जी आपकी कथा में, आप जब व्यास पीठ पर बैठते हो तो अपने इष्ट के प्रति, माँ बाप के प्रति जो भाव, कल मुझे प्रवण दिखा रहा था तो आपको मैं देखा था, उससे बहुत अच्छा गौर किया। और उस भाव को लेकर के आदमी कितना भी ऊपर जाए, मगर जिस गोख में हम बड़े हुए उसको कभी नहीं भूला, और वो क्रिया मैंने आपने देखी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और भगवान का पूर्ण सहयोग के साथ ही अपने मंजिल तक हम पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। आप किसी तरह
देश से लेकर के अपनी संस्कृति विदेश तक पहुंचाने का कार्य करते रहो। जितना हो सके संतों का साथ और सपोर्ट आपको मिलता ही रहता है, मगर एक इंग्लैंड की धरती पर एक सिद्धाश्रम की ओर से मैं इतना ही वचन दूंगा कि जब भी एक संतों की बात आ जाती है तो सिद्धाश्रम आगे खड़ा रहता है और हर वक्त खड़ा रहेगा। आप हमारे गुजरात के हैं और गुजरात में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अपनापन और अपनापन जब हो जाता है तो एक भाई के प्रति, एक अपनत्व के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। और वही क्रिया हम लोग दूसरे धर्म की बात करते हैं कि भाई दूसरे धर्म वाले इतने मना रहे, मगर उनके पास हमको सीखना चाहिए कि एकता कैसे प्रकट हो। आज एक कुछ उनके धर्म की कुछ बातें चलती है तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर हमारे लोगों की बात चलती है तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मगर वो क्रिया नहीं होकर के एक पॉजिटिविटी में लेकर के सनातन धर्म की जब बात चले तो एक समानता के रूप में अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि भगवान घर घर में पहुंचेगा, भागवत की एक ध्वजा घर घर में पहुंचेगी, श्री राम का नाम घर घर में पहुंचेगा। आपको खूब खूब धन्यवाद और आप ऐसे ही यात्रा करते रहे। धन्यवाद आपका भी, और हम ऐसे भी भगवान को आज प्रार्थना करते हैं कि ढेर सारे लोग संत आपके माध्यम से इंग्लैंड की धरती में आकर अपना सनातन धर्म के प्रवचन कर रहे हैं, तो आप भी सनातन के लिए जो गुजरात से आकर यहाँ पर एक आपने जो ध्वज लहराया है, उस ध्वज में आपने जो एक सनातन धर्म की एक मशाल लेकर आप यहाँ पर आए हैं, तो हम सब लोग संतों की ओर से आप इस मशाल में हमारा दिया जलता रहे, इसलिए दिल भी आ सके, ऐसी हम प्रार्थना के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस संस्कार चैनल का भी खूब धन्यवाद कि ये हमारी बात जो हमारे अंदर भीतर थी वो सब लोगों के सुध पहुंच सके, ऐसी एक भाव आपने जो हमारे प्रति व्यक्त किया, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और सनातन धर्म की ये ज्योत हर हमेशा इस धरता में, इस धरा में प्रज्वलित रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज राधे राधे।